हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये नागालैंड विजिट का डे टू है। आज हम लोग दीमापुर से कोहिमा की ओर जाएंगे। दीमापुर देहरादून और सिलीगुड़ी की तरह ही प्लेन एरिया में बसा है और थोड़ी दूर पर ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। रास्ते में आप चाहें तो ट्रिपल फॉल देखते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन यहां से हमने कार रिजर्व नहीं की और शेयर कार में गए, जिसका रेट पर हेड 350 करके था और ड्राइवर को सही से कुछ पता नहीं था, तो हमने सोचा कि रिटर्न यहीं से आना है तब हम देख लेंगे, लेकिन आकर भी हम नहीं देख पाए क्योंकि यहाँ के लोगों को ठीक से कुछ पता ही नहीं था। टैक्सी ड्राइवर भी कुछ नहीं बता पा रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सके। अगर आप ट्रिपल फॉल देख पाते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, या पहले से आप देखे हैं तो मुझे बता सकते हैं, पिक्स भी जरूर भेजें। आपके गाइड करने से शायद मैं नेक्स्ट टाइम जा पाऊं। दीमापुर से कोहिमा जाने में 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन व्यू इतना खूबसूरत है कि देखते हुए कब हम पहुंच गए कुछ पता ही नहीं चला। कोहिमा में होटल्स बहुत कम हैं, इसलिए पहले ही बुक कर लें। हमने भी ऑनलाइन होम स्टे पहले ही बुक कर लिया, जिसका चार्ज 3500 करके पड़ा। तो होम स्टे मैं वहां पहुंच कर दिखाऊंगी कि कैसा है, फीडबैक कैसा मैं देती हूँ, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। तो अक्टूबर के टाइम में भी दीमापुर में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे आप कोहिमा के रास्ते जाते हैं गर्मी खत्म हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है और बाकी हिल स्टेशन की तुलना में नागालैंड बिल्कुल अनटच्ड है। यहाँ बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। ज्यादातर लोग नागालैंड में सिर्फ जुकू वैली ही घूमते हैं, लेकिन मैं आपको सारा घुमाऊंगी, सब भी बताऊंगी। और उसके पहले का वीडियो आपने देख ही लिया होगा कि दीमापुर कैसे आना है, दीमापुर कैसे घूमना है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लें, जिससे कि कैसे घूमना है आपको एक आइडिया होगा। मैं इतना घूम चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि अब कुछ नया फील करने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं, लेकिन हर बार जब भी मैं कहीं जाती हूँ कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाता है, और ये नया पिछले एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर कपड़े से या फिर नेट से पूरे पहाड़ को ढका हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता होगा कि जिससे लैंडस्लाइड कम हो। अभी मैंने ब्लैक कलर के कपड़े से ढका दिखाया, अब यहाँ देखिए ब्राउन कलर से ढका हुआ है, पूरे पहाड़ को ढक दिया है लोगों ने, और इस तड़ी के अंदर से घास उगाई है।
अब हम लोग कोहिमा में एंटर कर चुके हैं। शेयर टैक्सी टैक्सी स्टैंड में हमने छोड़ दिया और रिजर्व टैक्सी किया, जिसका फेयर हमारा लगा 3000, उसमें इंक्लूड है घुमाना और होम स्टे में फिर ड्रॉप कर देना। और नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में ही हमारा होम स्टे है। और ये हमारे होम स्टे का रूम, रूम बहुत बड़ा है, लगभग दो रूम मिलाकर एक रूम बना है। इसमें तीन तीन खिड़कियां हैं और कबर्ड सब कुछ अवेलेबल है। इसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू सब कुछ अवेलेबल है। और इस साइड ड्रेसिंग टेबल और इधर बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत अच्छा है, बड़ा है, गीजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और जिनका होम स्टे है वो भी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो इसकी वजह से वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत प्यार से मिल रही थी। Country or what should I say? It's not so like when the Britishers. ये टेरेस का व्यू है। You know the Nagas because Indian administration never extended in Nagaland during those time. So Nagas they want. पूरा क्लियर अच्छा व्यू है। और ये आंटी जिनके हम जिनके होम स्टे में हम लोगों ने स्टे किया। So today you know with so many factions. और ये मेन सिटी फुल्ली क्राउडेड। नाउडेज इट इज वेरी पीसफुल।